स्वागत है आपका ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल पे। बात करेंगे आज के राशिफल की। आज 17 सितंबर 2023 है और दिन है रविवार का। संडे का दिन मेष राशि और वृषभ राशि वालों के लिए कैसा व्यतीत होएगा, करेंगे इस पे चर्चा। द्वितीय तिथि रहेगी 11:10 पर, उसके बाद तृतीय तिथि आगमन हो जाएगा। तृतीय तिथि जया तिथि होती है, तो कोई भी नया कार्य शुभ कार्य करना हो आपको तो आप अभिजीत मुहूर्त में करें। 11:50 से स्टार्ट होएगा और 12:40 तक चलेगा। ये 50 मिनट का टाइम है, श्रेष्ठ कार्य करने के लिए अच्छा है। मेष राशि वालों की बात करें तो मेष राशि वालों के छठे घर में चंद्रमा चल रहा है, जो कि रोग ऋण और शत्रु का है, परंतु ये आज का चंद्रमा आपके लिए कई मामलों में अच्छा रहेगा। दिन आपके लिए अच्छा है, ऋण से आपको मुक्ति मिलेगी और जो आपके शत्रु हैं उनको आप परास्त करेंगे। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में आपके प्रतिद्वंदियों को आप परास्त करने में अच्छी रणनीति बनाएंगे और आप अपने व्यापार को आगे ले जाएंगे और अपने कॉम्पिटिटर को आप पीछे छोड़ देंगे। कमाई भी आपकी अच्छी होगी। कोई भी नया कार्य करना चाहते हैं तो आप अभिजीत मुहूर्त में करें। व्यापार में आपको सफलता मिल रही है। जिन लोगों का व्यापार फैशन से संबंधित, बुटीक से संबंधित, कपड़े के डिजाइनिंग से संबंधित है, फिल्म कला से संबंधित है, उनके लिए आज का दिन बढ़िया है। साथ ही साथ जो लोग राजनीति में सक्रिय हैं उनके लिए भी आज बदलाव का टाइम है। पुलिस और सेना वालों के लिए आज का दिन ट्रांसफर पोस्टिंग के हिसाब से बढ़िया है। बाकी केमिकल से रिलेटेड और ट्रांसपोर्ट से संबंधित कार्य है तो वो भी आपके लिए अच्छा चलेगा। नौकरी की बात करें तो नौकरी में लाभदायक स्थिति बनी हुई है। काम का प्रेशर आपके ऊपर रहेगा और आप बहुत मेहनत करेंगे, परंतु आप अल्टीमेटली धन लाभ प्राप्त कर ही लेंगे। नौकरी में आपको अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। महिलाओं से आप बना के चले, महिलाओं पे आपका खर्चा हो सकता है और महिलाओं से लाभ की भी प्राप्ति हो रही है। घर परिवार में आपका अच्छा मन लगेगा और परिवार में खुशियां बनी रहेगी। छुट्टी का दिन है, परिवार के साथ रहें। परिवार के लोगों के साथ आपका अच्छा टाइम स्पेंड होएगा और आप अपनी व्यवहार कुशलता से अपने परिवार वालों को और अगर वर्क प्लेस में हैं तो अपने सहकर्मी और बॉस सबको प्रभावित करेंगे और सबको आज प्रसन्न करने में सफल रहेंगे। घर में मेहमान भी आ सकते हैं और घर में अच्छा वातावरण आज रहेगा, जिससे आपका मन घर में लगेगा। विद्यार्थियों को आज अपने साथ के लोगों के साथ घूमने का प्रोग्राम है और जो लोग पढ़ाई से संबंधित कुछ नौकरी वगैरह दे रहे हैं उनके लिए आज का कॉम्पिटिशन के एग्जाम वालों के लिए आज का दिन सही है। मेहनत के अनुकूल आपको परिणाम प्राप्त होएगा। युवाओं को आज कई प्रकार के अवसर प्राप्त होंगे, कई उनको रोजगार प्राप्ति के भी अवसर प्राप्त होंगे और उनको नए प्रस्ताव भी मिलेंगे और उनको उन नए प्रस्तावों के ऊपर विचार करके उनको स्वीकार कर लेना चाहिए। संतान का आज आपका भाग्योदय हो सकता है, संतान की उन्नति होगी, संतान से आपको भी लाभ प्राप्त होएगा और संतान के विदेश जाने का प्रोग्राम आज बनेगा और संतान और आप दोनों ही लंबी दूरी की यात्रा पे जाएंगे भविष्य के अंदर। तो इस तरह से आपका दिन चल रहा है। कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलता है, घर वालों के साथ भी आपका अच्छा सफलता और प्रसन्नतादायक दिन बीतेगा आज का छुट्टी का। अब क्या ध्यान रखना है मेष राशि वालों को, देखो जो लोग लव एंड रिलेशनशिप में चल रहे हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। उनको आज कुछ भी आगे बढ़ने से रुकना चाहिए, दिन उनके लिए ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। जीवन साथी और वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन में थोड़े से मतभेद हैं, परंतु फिर भी वैवाहिक जीवन आपका काफ़ी खुशहाल रहेगा। जो भी लोग आज मेष राशि वाले हैं कोई बड़ा निर्णय करने जा रहे हैं तो वो कर सकते हैं, दिन ठीक है उनके लिए। 1 बजे के बाद सूर्य ने राशि परिवर्तन करना है तो 1 बजे के बाद सूर्य चले जाएंगे अपनी सिंह राशि को छोड़ करके कन्या राशि में, तो आज सूर्य आराधना आप अवश्य ही करें और अग्नि से आप सावधान चले। एक्सीडेंट का भी थोड़ा सा छोटा मोटा योग बन रहा है, वाहन सावधानी के साथ चलाएं। क्रोध पे आज आपको नियंत्रण रखना है, तो इस तरह से आपका दिन बीत रहा है। अब क्या उपाय करें आज आपके लिए कि दिन बढ़िया बीत जाए। चैनल पे अगर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। किसी एक नए व्यक्ति को इसे अवश्य ही शेयर कीजिए। अब बात करते हैं उपाय की। सूर्य की राशि परिवर्तन के कारण सूर्य की पूजा या सूर्य को जल आप गायत्री मंत्र के जाप करते हुए अवश्य ही दें और गायत्री मंत्र का जाप करना आज श्रेष्ठ परिणाम देगा। साथ ही साथ आज आप जितना हो सके पीले रंग का प्रयोग करें अपने जीवन के अंदर। भगवान शिव की आराधना करते हैं तो पीले रंग का चंदन अवश्य ही अर्पित करें। आपका दिन श्रेष्ठ हो इसी शुभकामना के साथ, धन्यवाद। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा व्यतीत होएगा, करेंगे इस पर चर्चा।
17 सितंबर 2023 का दिन वृषभ राशि वालों के चंद्रमा चलेंगे फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस है हमारा लव एंड रिलेशनशिप का, हमारे संतान का और हमारे शिक्षा का। इनसे संबंधित आपको अच्छे रिजल्ट आज देखने को मिलेंगे। दिन काफ़ी अच्छा है, भाग्य का आपको सपोर्ट उतना ही मिलेगा जितनी आप मेहनत करेंगे। मित्रों का आपको सहयोग मिलेगा क्योंकि मित्र तारा के अंदर चल रहा है ये चंद्रमा। दिन आपका अच्छा है, जहाँ भी जाएंगे आपको सपोर्टिव स्थिति प्राप्त होगी। कार्यस्थल पे है तो कार्यस्थल पे सपोर्ट मिलेगा, घर में है तो परिवार वालों का सहयोग मिलेगा, मित्रों के संग है तो मित्रों का आपको सहयोग मिलेगा। कुल मिला के देखें तो आज आपका मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। और अगर आप स्वास्थ्य से संबंधित किसी प्रॉब्लम से ग्रसित हैं तो आज आपके स्वास्थ्य में सुधार होएगा। करियर की बात करें तो करियर में ग्रोथ होगी। मेहनत करें, मेहनत से ही आपके आपके करियर में और ज़्यादा आय प्राप्त करने की स्थिति बनेगी। व्यापारियों के लिए कोई बड़ी डील आगे बढ़ सकती है, भाग्य का आपको साथ मिलेगा, मेहनत के अनुकूल परिणाम प्राप्त होगा। धीरज रखें, आय में आज अवश्य ही वृद्धि होगी। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो लव एंड रिलेशनशिप के लिए आज दिन सामान्य ही है। चंद्रमा की स्थिति इस टाइप की है कि आपको स्वयं के नक्षत्र में चल रहे हैं तो आपके स्वयं के लिए तो अच्छा है, रिश्तों में आगे बढ़ने के लिए सोच समझ कर ही आगे आप बढ़ें। पुलिस वालों के लिए, सेना वालों के लिए आज ट्रांसफर पोस्टिंग के योग बने हुए हैं। प्रॉपर्टी डीलर से संबंधित काम कारोबार है तो ग्रोथ होगी। गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए आज का दिन अच्छा है। शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए दिन अच्छा है। विदेशी व्यापार अगर आपका है तो विदेशी व्यापार में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आपको लाभ प्राप्त होएगा, परंतु वो लाभ आपकी इच्छाओं या आपकी मनोकामना के हिसाब से कम होएगा। शासन प्रशासन में आपका दिन बढ़िया चल रहा है, दिन आपका काफ़ी कुछ अच्छा बीतने वाला है। संतान की तरफ से देखें तो संतान की आज आपकी उन्नति होगी, परंतु संतान के ऊपर आज आप नज़र रखें, संतान को कोई परेशानी हो सकती है और इसीलिए आपको संतान के ऊपर नज़र रखनी आज बेहद ज़रूरी है। उसके फ्रेंड सर्किल के ऊपर भी आप ध्यान रखें। क्रोध करने से बचें, विशेष करके संतान के ऊपर क्रोध करने से आज आपको बचना चाहिए। पिता से आपको लाभ प्राप्त होएगा। सूर्य का राशि परिवर्तन आज हो रहा है, 1 बजे के आसपास उसके पास सूर्य चले जाएंगे कन्या राशि में, तो आपके चौथे घर से निकल के पांचवें घर में आ जाएंगे। मान सम्मान आपका बना हुआ है, खर्चों को आप नियंत्रित करके आज चलने वाले हैं। काफ़ी मेहनत करेंगे, वृषभ राशि वाले काफ़ी जिम्मेदार होते हैं, काफ़ी मेहनती होते हैं और आज ये काफ़ी मेहनत करने वाले हैं। हालांकि छुट्टी का दिन है फिर भी आप काफ़ी मेहनत करेंगे। विद्यार्थियों को एजुकेशन में सफलता प्राप्त होगी, विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा बना हुआ है। क्या उपाय करें वृषभ राशि वाले के दिन अच्छा बीत जाए? देखिए, भाग्य का सपोर्ट आपको मिल ही रहा है कम से कम आपकी मेहनत के अनुकूल, इसलिए आज आपके एफर्ट्स जितने भी होंगे वो तो आपके सफल जाएंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है इसलिए सूर्य आराधना अवश्य ही करें, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना आपको श्रेष्ठ परिणाम देगा। किसी भी तरह की यात्रा करते हैं तो ईस्ट की यात्रा ठीक है, आप ईस्ट की दिशा में यात्रा कर सकते हैं। 11:50 से 12:40 का टाइम बेस्ट है कोई भी नया कार्य, शुभ कार्य, बड़ी डील साइन करने के लिए। राहु काल जो कि 4:30 से 6 है, उस समय कोई भी नया कार्य शुभ कार्य करने से आप बचें। दिन आपका लिए श्रेष्ठ हो, मंगलमय हो। चैनल पे अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपके जीवन में आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य की वृद्धि होती रहे, दिन अच्छे बीतते रहे, बने रहिए चैनल पे। धन्यवाद।